हेलो गाइस, आई एम सोमोजीत। स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे इस चैनल में। तो बेसिकली भाई लोग, रियलमी का FAQ 26 इंडिया में लॉन्च हो चुका है। तो रियलमी FAQ 26 में बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है। तो ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि ऐसा कुछ क्वेश्चंस का आंसर हमें दिया जाए। तो इसी क्वेश्चंस का आंसर रियलमी इस कम्युनिटी पोस्ट में दे दिया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे FAQ 26 में क्या कुछ क्वेश्चंस है। बाय द वे, यहाँ पे कुछ कुछ जो कि है ट्यूटोरियल्स भी है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा डिटेल्स में। तो जरूर जरूर वीडियो को आगे देखते रहिए। तो बेसिकली मैं अभी रियलमी के कम्युनिटी का जो पेज है वहाँ पे हूँ और आप देख सकते हैं। और अगर आपको रियलमी कम्युनिटी अभी तक नहीं पता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में रियलमी कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आप इस पोस्ट में आना चाहते हैं तो इस पोस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी आते हैं भाई मेन क्वेश्चन पे। मेन क्वेश्चन ये है कि नंबर 1, क्या रियलमी C2 में एंड्रॉयड 10 मिलेगा? तो हाँ भाई, आप लोगों को पता चल चुका है कि रियलमी ने अपना जो रोड मैप था एंड्रॉयड 10 और कलरओएस 7 का, वो ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है। और रियलमी ये बता रहा है कि C2 को Q3 2020 में अपडेट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे रोड मैप क्या कुछ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो लोगों ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, ये है वो रोड मैप। और इस रोड मैप के थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि कौन कौन से डिवाइस में कब अपडेट मिलेगा। बाय द वे, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखे है, उस वीडियो को जाके प्लीज़ चेक कीजिए। अभी हम लोग बात करते हैं भाई रियलमी 3 प्रो में क्या डॉल्बी एटमोस सपोर्ट करता है। आप लोगों को पता है डॉल्बी एटमोस एक बहुत ही अच्छा साउंड कंपनी है और जिसके जो साउंड क्वालिटी होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो डॉल्बी एटमोस का रियलमी 3 प्रो में सपोर्ट करेगा, तो डायरेक्ट ये जो साउंड रिकॉर्डिंग है डायरेक्ट करेंटली सपोर्टेड, बट देयर इज नो प्लान फॉर द डॉल्बी एटम्स एट दिस स्टेज। यहाँ पे रियलमी 3 प्रो में डायरेक्ट साउंड का जो सिस्टम है वो अभी चल रहा है, वो भी काफ़ी अच्छा साउंड आपको प्रोड्यूस करता है, पर अभी यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं है डॉल्बी एटमोस का। आप बात करते हैं कि रियलमी X2 प्रो में किस तरह से बूटलोडर और कलर सोर्स को अनलॉक करें, इसके लिए इन लोगों ने एक पोस्ट दे रखे है, तो उस पोस्ट को जाके आप चेक कर सकते हैं। और इस पोस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाय द वे, अगर आप रियलमी कम्युनिटी में ये वाला पोस्ट में आते हैं तो आपको सब कुछ चीज़ें डेफिनेटली मिल जाएगी। तो अभी हम लोग बात करते हैं भाई यहाँ पे कि न्यू जो क्वेरीज है, ये क्वेरीज आप लोगों को भी जानना चाहिए अगर आप लोग इंडिया से नहीं है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन किया गया है कि मैंने एक फ़ोन लिया था इंडिया से, रियलमी का फ़ोन परचेस किया था, पर मैं इंडियन हूँ, पर अभी मैं कोई और कंट्री में हूँ, क्या मुझे यहाँ पे डेडिकेटेडली अपडेट मिलेगा और क्या मुझे यहाँ पे VPN यूज़ करना पड़ेगा? तो आंसर है भाई, आपको VPN यूज़ करके इंडियन सर्वर्स में आना पड़ेगा और इंडियन सर्वर्स में आने के बाद ही आपके मोबाइल में जो अपडेट पुश किया गया है वो आपको मिलेगा। बाय द वे, अगर आप किसी बाहर के सर्वर्स में कनेक्टेड है तो वो आपको नहीं मिलेगा। बात करते हैं भाई अगले क्वेश्चंस की। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे ये बात किया जा रहा है कि यहाँ पे जो डार्क मोड है, लाइक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में जो डार्क मोड है, लाइक व्हाट्सएप, जीमेल, फेसबुक, ये प्रॉपरली वर्क क्यों नहीं करते? अब अभी लोग आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि व्हाट्सएप, जीमेल, फेसबुक और जितनी भी सारी एप्लीकेशन पे डार्क मोड को एनेबल कर दिया गया है, ये बेसिकली एक फोर्स डार्क मोड एनेबल है, यानी फोर्स करके कुछ भी तरीके से यहाँ पे डार्क मोड को पुश किया जा रहा है। यहाँ पे फेसबुक की तरफ से कोई अपना डार्क मोड नहीं है, व्हाट्सएप की तरफ से कोई अपना डार्क मोड नहीं है, जीमेल की तरफ से कोई अपना डार्क मोड नहीं है, पर जिन जिन डिवाइस में अपने तरफ से डार्क मोड है, लाइक इंस्टाग्राम में अभी डार्क मोड का अपडेट आया नहीं है, पर फ्यूचर में जाके वहाँ पे डार्क मोड का अपडेट आ जाएगा, फ्यूचर में जाके व्हाट्सएप में भी डार्क मोड अपडेट आ जाएगा, तब आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। व्हाट्सएप बोल दे, जीमेल बोल दे, फेसबुक बोल दे, किसी भी एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, पर ये बाय डिफॉल्ट एक बहुत ही फोर्सफुली डार्क मोड किया जा रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम फेस हुआ है। यहाँ पे भी वही चीज़ को लेके डिस्कस कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा सवाल पूछा गया है और इस सवाल का आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये सवाल पूछा गया है, क्या यहाँ पे क्विक ऑप्शन, यहाँ पे जो अपन नोटिफिकेशन पैनल है, ये वाला नोटिफिकेशन पैनल, यहाँ पे क्या क्विक ऑप्शन मिल सकता है जिसके थ्रू हम लोग, जैसे कि सैमसंग के फ़ोन्स में रहते हैं, हम लोग लाइट मोड से डार्क मोड में डायरेक्टली शिफ्ट कर सकते हैं या डार्क मोड से लाइट मोड में आ सकते हैं, जैसे कि सैमसंग के OneUI में है। तो यहाँ पे लिख दिया गया है ये हम लोग फ्यूचर OTA में लाएंगे, और भाई फ्यूचर OTA में आए ना आए ये बात तो ठीक नहीं है, पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कलरओएस 7 में ये फीचर्स तो आपको नोटिफिकेशन पैनल में मिल जाएगी, वो ऑलरेडी स्पष्ट हो चुका है। अभी हम लोग बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ कैन आई एनेबल म्यूट मोड एंड वाइब्रेशन मोड इजीली। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन किस लिए एंटर किया गया है इस टोटल क्वेरीज में मुझे पता नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, आप डायरेक्टली चले जाइए अपने नोटिफिकेशन सेटिंग्स में, तो यहाँ पे म्यूट भी कर सकते हैं और यहाँ पे बाकी सारे काउंट्स भी कर सकते हैं, अनम्यूट भी कर सकते हैं, साइलेंट मोड भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि न्यू अपडेट की, जो कि फ्यूचर में शायद कंसिडर होगा, आगे जाके देखते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रियलमी एक्सटी में क्या हम लोग वीडियो को बोके मोड का इफेक्ट दे सकते हैं, यानी वीडियो चलने के टाइम हम लोग बोके इफेक्ट लाइक जैसे कि सिनेमाटोग्राफी में होता है, वैसा क्या हो सकता है? तो इन लोगों ने बोला वी विल कंसिडर दिस। अब लगता है कि आगे जाके फ्यूचर में कभी ये फीचर्स के बारे में बोलो काम करेंगे, और रियलमी एक्सटी में आप लोगों को यहाँ पे जो कि ब्लर वाला वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक एक्सेसिबिलिटी में ऑप्शन है, अगर आप नीचे कमेंट करते हो मैं इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि यहाँ पे जो एक्सेसिबिलिटी में पॉइंटर्स प्रूफ है, जो स्टॉप्स है, उसको कैसे मूविंग करते हैं एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स के अंदर जो चीज़ें। बेसिकली ये जो सेटिंग्स है, ये सेटिंग्स के बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसके पहले मैं बोल देता हूँ ये जो क्लिक व्हेन द पॉइंटर्स प्रूफ मूविंग स्टॉप मूविंग, तो ये जो सेटिंग्स है ये बेसिकली माउस के लिए, अगर आप एक्सटर्नल माउस और एक्सटर्नल कीबोर्ड्स ये सब जैसे कि यूएसबी सॉरी माइक्रो यूएसबी जो होते हैं ना, जो ओटीजी होते हैं, उससे आप लगा सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं अपने मोबाइल्स में, तो वो लगाने के टाइम आप अपना पॉइंटर स्पीड को कैसे मेंटेन करेंगे उसके लिए ये अपडेट सेटिंग्स दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया गया है, आई फॉरगॉट माय प्राइवेसी पासवर्ड एंड आल्सो द सिक्योरिटी क्वेश्चन, हाउ कैन आई रीसेट द पासवर्ड। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसीलिए किया गया है कि रियल मी कम्युनिटी में आप लोगों को बताए कि आप लोगों को लॉगिन करना पड़ता है एक टोकन एक्सपायर होने से पहले, तो जितना बार टोकन एक्सपायर होता है उतना बार आपको लॉगिन करना पड़ता है। तो बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये रहता है कि उन लोगों का जो पासवर्ड है वो लोग भूल जाते हैं, तो ऐसे में मेरा भी ऐसा बहुत बार हो चुका है। यहाँ पे जो मैं कर रखा हूँ, मेरा एक ईमेल एड्रेस से बाइंडिंग कर रखा हूँ, अगर ईमेल एड्रेस से बाइंडिंग हो तो ईमेल एड्रेस में आपका एक डायरेक्ट ये चला जाएगा नाम, क्या बोलते हैं, ओटीपी चला जाएगा, और मेरे मोबाइल्स में भी बाइंडिंग है, तो अगर मैं भूल जाता हूँ तो मोबाइल में भी मेरा ओटीपी आ जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपके मोबाइल में अप्लाइड नहीं है, आपने ईमेल एड्रेस भी नहीं डाल रखा है, अपने जो कि मोबाइल नंबर भी नहीं डाल रखा है, तो आपको भाई जाना पड़ेगा आपके नज़दीकी सर्विस सेंटर पर और जाके आपको पूछना पड़ेगा कि भाई इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो आपका पासवर्ड रिसेट कर देंगे। अब भाई बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे बोल दिया गया है कैन यू इम्प्रूव योर वीडियो प्लेयर टू सपोर्ट मोर फॉर्मेट्स एंड डिकोड्स एंड ऑप्शन फॉर डाउनलोड सबटाइटल एज वेल। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे जो ऑडियो रिकॉर्डर्स है लाइक MPP MP4 कुछ ऐसे जो कि रियलमी डिवाइस में चल जाते हैं, पर कुछ ऐसे फाइल्स है जिसका कुछ टॉरेंट्स वगैरह से हम लोग डाउनलोड करते हैं पर वो रियलमी के डिवाइस में चलती नहीं है, कभी जो मूवी है वो चल रही है पर साउंड नहीं आ रही है, तो ऐसे में ये रियलमी ये बता रहा है ये काफ़ी अच्छा सजेशन है, बोलोग इसके बारे में लेके अगले टाइम पे काम करेंगे। पूछो मुझे लगता है अगले टाइम पे हमें काफ़ी ज़्यादा जो कि डिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा मोबाइल डिवाइस में और हम काफ़ी अच्छे से मूवीज़ को एंजॉय कर पाएंगे। और अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन 8 और 61 वाले जो रियलमी 2 का अपडेट था उस अपडेट के बाद भी आया था, तो बेसिकली इस अपडेट को इस जो प्रॉब्लम है इसको मैं और एक बार बोल देता हूँ, अगर आप रियलमी 2 एंड 61 के कोई भी यूज़र है और आपको ये प्रॉब्लम अभी भी हो रहा है तो आप प्लीज़ ये प्रॉब्लम को देखते रहिए। प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो मैंने पहली बार निकाला था, एक्चुअली निकालने का कोई बात नहीं है, ये वहाँ पे ही था, आप लोगों ने शायद कुछ मिस किया इसीलिए देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है आई फाउंड द स्मार्ट स्लाइड बार डिजापियर आफ्टर द अपडेट, हाउ टू रीसेट इट। एक्चुअली स्मार्ट स्लाइड बार डिजापियर नहीं होता है, ये एक पिक्चर उन लोगों ने दिया है, एक्चुअल सही पिक्चर है। तो स्मार्ट स्लाइड बार के ना नीचे एक ऑप्शन रहता है ओनली द स्लाइड बार इन हॉराइजेंटल स्क्रीन, यानी अगर आप मोबाइल को लैंडस्केप स्क्रीन में टिल करेंगे उसके बाद जाके ये काम करेगा, तो एक्चुअली आपको इस ऑप्शन को ऑफ करना है, ऑफ करने के बाद ही जो कि ये एक ऑप्शन काम करेगा और जो नॉर्मल वाला स्क्रीन है वहाँ पर भी आप स्मार्ट स्लाइड बार को एंजॉय कर पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम शायद आपका सॉल्व हो गया होगा। अब बात करते हैं भाई डीसी डिमिंग फीचर्स अवेलेबल फॉर रियलमी 3.0 फ्यूचर, तो एक्चुअली जो डीसी डिमिंग फीचर है ये एक्चुअली एक LED है जो बेसिकली OLED स्क्रीन पे काम करता है, कुछ टाइप का होगा शायद, मुझे इतना अच्छे से पता नहीं डीसी डिमिंग क्या है, पर यहाँ पे कुछ जो है जो OLED स्क्रीन पे काम करता है, भाई रियलमी 3 प्रो में तो OLED स्क्रीन है नहीं तो ये काम नहीं करेगा। अभी बात करते हैं कि भाई यहाँ पे जो XT में लॉक स्क्रीन है क्या ये डबल टैप से ऑन हो सकती है, आप सभी लोगों को पता है ये तो काफ़ी आसान बात है, डबल टैप से आसानी से ऑन हो सकती है, इसके लिए आपको कन्वीनियंस 8 पे जाना पड़ेगा, उसके बाद गेस्चर मोशन पे जाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है कि डबल टैप टू स्क्रीन ऑन, अगर आप ये कर रखते हैं तो आपके रियलमी XT क्या सारे के सारे रियलमी डिवाइस में ये काम करेगा, बाय द वे सारे एंड्रॉयड डिवाइस में भी ये काम करता है। अब बात करते हैं भाई स्क्रीन ऑफ गेस्चर को कैसे काम करवाते हैं, ये भी आप लोगों को पता है कि यहाँ पे गेस्चर एंड मोशन कन्वीनियंस एड में जाना है, गेस्चर एंड मोशन में जाना है, स्क्रीन ऑफ गेस्चर में जाना है, तो आपको पता है ना वी लिखने से टॉर्च जाता है, डबल टैप डबल स्लाइड करने से आपका गाना बंद हो जाता है चालू हो जाता है, वही चीज़ आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे से जो कि गेस्चर एंड मोशन को ऐड करके अपने एप्लीकेशन को ओपन करवा सकते हैं, कैमरा को ओपन करवा सकते हैं, सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं,
कोई भी एक एप्लीकेशन को, डेडिकेटेड एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये थी एंड, ये सब क्वेश्चन को लेके यहाँ पे जो FAQ 26 है यहाँ पे जो कि डिस्कस कर दिया गया है। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा है, पर ये क्वेश्चन मुझे ये पता नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन को क्यों ऐड किया गया था। हाउ टू, देखिए यहाँ पे आंसर दिया गया है कि हाउ टू क्विक टू चेंज द नोटिफिकेशन पैनल। मुझे इस क्वेश्चन को क्यों किया गया उसके बारे में कुछ पता नहीं। बाकी जो क्वेश्चन है काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो अभी बोलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो जरूर से एक बार वीडियो को लाइक करना, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।